मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, और ऑलरेडी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में अच्छे से बता चुके हैं। तो जो जिन बच्चों ने अभी इस चैप्टर की पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख लें। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड होंगे। मतलब कि पेपर में अगर डिस्टेंस फार्मूला से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है बोर्ड पेपर में, तो वो किस तरह से आपसे पूछेगा, तो उन्हीं तरह के क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक पहले सिंपली सर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, जिसमें से आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे। पहला पॉइंट आपको दिया गया है 2.3, और दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है 4.1। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब आप पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए है आपका 2.3, पॉइंट बी है आपका 4.1। तो बेटा ये पहला है पॉइंट, तो ये x1 और ये y1, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये x2 और ये y2। अब सिंपली आप लोग फॉर्मूला में आप रख दीजिए, अंडर रूट x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2, तो x2 - x1 मतलब कि 4 - 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, मतलब कि 1 - 3 का होल स्क्वायर। t बराबर अंडर रूट 4 - 2 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 - 3 -2 - 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4, तो d बराबर 4 + 4 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2√2। समझ गए कैसे, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो d बराबर 2√2 यूनिट, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। ये सिंपल क्वेश्चन था कि आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे और दो पॉइंट के बीच में दूरी आपसे वो पूछेगा। चलिए एक अलग लेवल क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन लगाते हैं। उसने कहा कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स आपको दिए हैं कैसे, 1.5, 2.3 एंड -2, -11। कह रहे हैं ये बताइए कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, क्या कोलिनियर। कह रहे हैं बताइए ये पॉइंट कोलिनियर है क्या। तो कोलिनियर पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट जैसे एक ही लाइन पर, जैसे आपका ये ग्राफ है, इस ग्राफ में ये लाइन खींची, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, मतलब अगर ये पॉइंट ए बी सी, ये पॉइंट ए बी सी, मतलब अगर जो ए बी की दूरी है वो बी सी की दूरी के इक्वल है, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो चलिए देखिए हम पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ए बी, इसके बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। चलिए रखिए टी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डी बराबर अंडर रूट x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। थोड़ा सा स्टेप बार बार हम नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, y2 - y1 कितना है 3 और y1 कितना है 5, 3 - 5 कितना आएगा -2, और -2 का स्क्वायर चुपचाप अभी लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर लिख सकते हैं, डी बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, अंडर रूट 5 यूनिट आपकी डिस्टेंस है कहाँ, ए से बी तक में। अब बी से सी तक में निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी, अब बी सी में निकाल रहे हैं डी बराबर अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, इसमें अब ये आपका x2 हो गया, ये x1 और ये y1 और ये y2, तो x2 - x1 मतलब कि -2 - 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई टू माइनस वाई वन माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, डी बराबर अंडर रूट माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब कि माइनस फोर का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 14 हो गया, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, कर लीजिए डी बराबर 6 से 12 का 2 हासिल किया, 1 2 9 2 11 का 1 हासिल किया, 312 सॉरी 212, ठीक है। अब 212 आपका आ गया, 212 यूनिट, इसको समझ लो नहीं है इतना नहीं आएगा रूट फाइव, ठीक है। अब क्या ये दूरी इक्वल है, इसकी रूट फाइव है इसकी 212 है, क्या दूरी इक्वल है, नहीं है ना, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर दीज आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। अब इससे क्या समझ आता है कि ये कोलिनियर नहीं है, अगर आपकी डिस्टेंस इक्वल होती तो ये कोलिनियर होते, ठीक है। एक बार का समय आप लोग नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, क्यों नहीं कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि इनके बीच की दूरी जो ए बी की डिस्टेंस है वो बी सी डी डिस्टेंस के इक्वल नहीं है, इसलिए कोलिनियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेवल को क्वेश्चन लगाते हैं। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक ट्राइंगल दे दिया आपको ए बी सी, कहा ए के पॉइंट है 1.2, बी के पॉइंट है 2.3 और सी के पॉइंट है 4.4, कहेगा आप चेक करिए कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं वो आइसोसेलेस के वर्टेक्स हो सकते हैं, तो आइसोसेलेस के अगर होंगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस इस ये जो ए बी की डिस्टेंस है और जो ए सी की डिस्टेंस है अगर ये इक्वल होंगी तो ये कोऑर्डिनेट आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, तो आप इन दोनों के बीच में दूरी निकाल लेंगे, अगर अगर इसकी दूरी इक्वल है तो ये जो है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के आपके कोऑर्डिनेट होंगे, अगर नहीं इक्वल है इसका मतलब ये नहीं। एक और बोल देता है, स्क्वायर दे देगा आपको, कहेगा कि स्क्वायर है रेक्टेंगल है, चार पॉइंट दे देगा आपको, आपसे पूछेगा कि क्या ये स्क्वायर की कोऑर्डिनेट है, तो स्क्वायर क्या है तो दो सभी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर सभी के बीच में डिस्टेंस इक्वल है तो वो स्क्वायर के हैं, अगर आपने सभी के बीच में डिस्टेंस निकाल ली कोई दो दो डिस्टेंस इक्वल है मतलब कि वो रेक्टेंगल के हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब कि इनकी जो दूरी होगी वो भी क्या होगी इक्वल होगी, है ना। चलिए तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे आपसे वो पूछेगा। चलिए अगली तरह क्वेश्चन लगाते हैं, लोग ध्यान से वीडियो को देखा करिए, समझा करिए। अब थोड़ा सा हमने कैमरा हमने जूम कर दिया है कि जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगले लेवल क्वेश्चन है, एक टॉपिक समझिए आप, इक्विड डिस्टेंट क्या होता है, इक्विड डिस्टेंट या इक्विड इक्विड डिस्टेंस, मैंने कहा कि एक पॉइंट है, दो पॉइंट है ए बी 1.2 3.4, इन्हीं के बीच में पॉइंट है एक्स जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, हमने कहा ये पॉइंट जो एक्स है वो ए और बी से इक्विड डिस्टेंट है, क्या है इक्विड डिस्टेंट मतलब कि इक्वल है, मतलब कि जो ए एक्स की दूरी है वही किसके इक्वल है एक्स बी की दूरी के, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स बी, ये आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -1, दो पॉइंट है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -5, बी को दिया है -2, -9, कह रहा है वो पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस पर, अब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई जीरो होगा, दैट्स बात है, पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई क्या होगा जीरो, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर होता तो एक्स आपका जीरो होता, ये बात याद रखिए, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होगा,
और अगर पॉइंट आपको वाई एक्सिस पर है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू बताएंगे तो यही पॉइंट हमें मालूम चलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो दोनों इक्विडिस्टेंट हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ, इसे हम मान लिया सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी बी। तो डिस्टेंस ऑफ, हम ए सी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू अंडर रूट। अब सी बी के बीच में एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब कि माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट, अब अंडर रूट हमें हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायर कर देंगे तो निकल कर आएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 5, 0 प्लस 5 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर। अब यहां पर माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वायर 81। एक्सपेंड करिए ए माइनस बी बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपेंड करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स मतलब कि 4x, 2ab, 2a इंटू b, 2ab प्लस 25 बराबर। अब यहां पर आपका माइनस 2 है, इसको आप मान लीजिए a और जो x है इसको मान लीजिए b, तो एक्सपेंड करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 2b हमारा x प्लस 81, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर माइनस 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस देना के प्लस 2 × 4 × x 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस 4x, इधर ले ये भी माइनस 4x हो जाएगा बराबर 81, इधर प्लस में उतर गया तो माइनस में, माइनस माइनस प्लस 8x बराबर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, इसी तरह सॉल्व करना है आपको। ओके, अब 81 माइनस 35 करना है, 13 में से 5 गए 6, या बचा आपका 7, 7 में से 2 गए आपका 5, ठीक है, किसी को दिक्कत। अब यहां से x बराबर 56 अपॉन माइनस 8, 8 7 56, एक्स बराबर माइनस 7, मतलब कि आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 7, तो यहाँ आपके पॉइंट्स क्या हो गए, -7, 0, -7, 0 पर अगर ये दो पॉइंट्स हैं, अगर -7, 7, 0 पर हमारा पॉइंट होगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल, ठीक है बेटा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मैक्सिमम इक्विडिस्टेंट का ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक। तो ये था, अभी जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप अगर 6 का वो अगर 0 जो है वो आपको 5 दे देता, 6 दे देता या कुछ भी दे देता, तो प्रोसेस यही सेम है, जहां में आपने 0 रखा है वहां पर आप जो वैल्यू दी गई उसको रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इजिली हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रिलेशन आपसे पूछने लगे, ये पॉइंट आपका हो गया वाई, तो आपको सिंपली स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट हटा देना है, उसके बाद सिंपली आपको सॉल्व करके छोड़ देना है क्वेश्चन, क्योंकि अब एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज आएंगी ना, जो हमारा एग्जिस्ट नहीं हमारा करेगा, केवल आपकी क्वेश्चन लाके आपको छोड़ देना है। जब आप तभी पूछे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन का आपका मतलब है कि एक्स और वाई की इक्वेशन ही आपको जहां तक बनेगी वहां तक बनाने के बाद आपको छोड़ देना है वो आप रिलेशन। जैसे अगर आपकी क्वेश्चन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y बराबर 0, अगर ये क्वेश्चन आपके आएंगे इसका मतलब कि आपका एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकल रहा है, अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, यही पर आप छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थे आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला के, बाकी सेक्शन फार्मूला के जो टॉपिक है उसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, ओके।
इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए। अब ये क्वेश्चन लगाने के बाद आपको शायद आप जो है जो बुक इस्तेमाल करते हो किसी भी बुक का क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए आप। ठीक है बेटा, गुड बाय टू ऑल।